अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CPN न्यूज़ HD। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। न्यूज़: मरी में अलमनाक सानहा पेश आया। इस्लामाबाद में तैनात ASI सानहा मरी में अपनी फैमिली समेत इंतकाल कर गए। ASI नवीद की बर्फ में फंसी गाड़ी से आखिरी फोन गुफ्तगू सामने आ गई। नवीद इकबाल ASI वफाकी पुलिस के थाने कोसार में तैनात थे। फैमिली के 8 अफराद समेत उनकी बर्फ़ में फंसी गाड़ी में मौत वाकया हुई। इनके अलावा भी अमवात सामने आ रही हैं। ASI नवीद इकबाल की खसूसी गुफ्तगू CPN न्यूज़ HD पर। सर, यहाँ पर वो बर्फबारी ज्यादा हुई है, रोड ब्लॉक हुआ है। पिछले 12 बजे से लेके अभी तक 8-9 होने वाले हैं। अच्छा, अभी तक बंद है? उनकी वो गाड़ी आती है बर्फ हटाने वाली, वो सुबह से नहीं आई। इतने कसम से बच्चे बेचारे गाड़ियों में, कुछ खाने के लिए सुबह से चीज है ना, पीने के लिए। ओहो, ये तो बड़ा मसला बना हुआ है आपके लिए। वो वैसे अभी थोड़ी देर पहले वो सदीर अब्बासी है वहाँ पे हमारा रिपोर्टर ना मरी में, तो वो अभी यही खबर उसने दी है गाड़ियों की। वो ये काइंडली को खबर तो चलाएं कम से कम, ये अभी अभी उसने अभी अभी जस्ट उसने अभी खबर चलवाई है, ये अभी उसने दी है। ये सरदार भाई देखे ना, जो कुछ हो सकता है कुछ मेहरबानी करें। सर, मैं अभी बात कर लेता हूँ दोबारा उससे कि वो आप किस साइड पे खड़े हैं। ये अपना मरी से जो नथिया गली की तरफ रोड जाता है ना, हाँ, ये कुल डंडा के कौन सा आता है, यहाँ से आगे सारी पूरे रोड में बर्फ ही बर्फ पड़ी है और गाड़ियाँ फिर बुला दी, अभी इसी में डूबी हुई है बर्फ। ओहो, ये तो बड़ा मसला। बच्चे बेचारे रो रहे हैं, छोटे बच्चे, हर गाड़ी में बच्चे बैठ गए, हर गाड़ी में बच्चे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ना तो सुबह से खाने के लिए है ना पीने के लिए है, और बच्चे जनाब उनकी हालत बुरी हुई है। और इनकी वो एक गाड़ी आती है बर्फ हटाने वाली, वो ऐसे नवाब है, सुबह से ना कोई पुलिस वाला ट्रैफिक वाला आया है वो गाड़ी आगे से हटवाता, ना कोई वो गाड़ी आई है बर्फ हटाने वाली। अच्छा, तो ये किसी को सर अभी मैं दोबारा उससे जरा बात करता हूँ। वो असल में वो खुद मेरे माल रोड पे है, मेरी भी बात हुई है, उसका तो कुछ नहीं है असल।